हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दीपावली। जी हाँ, दीपावली अभी आ रही है। हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारे घर में सुख शांति प्रॉस्पेरिटी सदा के लिए घर में बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिवाली में हमें ऐसा क्या करना है उसके बारे में आपको उपाय बताने जा रही हूँ। 24 अक्टूबर को दीपावली आ रही है। गणेश जी की लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि सदा के लिए घर में बनाकर रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विधि विधान बताने जा रही हूँ और ऐसा क्या आप उपाय करें जिससे पूरा साल आपका बेहतर जाए। लक्ष्मी और विष्णु जी को हाथी बहुत पसंद है। आप अपने घर में चांदी का या सोने का हाथी जरूर रखें, लेकिन वो हाथी ठोस होना चाहिए, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। लक्ष्मी पूजन के समय माता जी के सामने कौड़ियाँ और गोमती चक्र जरूर रखें, लेकिन पहले गोमती चक्र और कौड़ियाँ आपको हल्दी में या केसर में उसे पीली कर लेनी है। उसके बाद माता जी को आपको रात भर, जिस दिन दीपावली होगी, रात भर आपको वैसे ही माता जी के सामने रखना है। और पूजा होने के बाद यानी दूसरे दिन आपको वो एक रेड कपड़े में रैप करके घर के लॉकर में रखना है। दीपावली के दिन आपको काली हल्दी एक लाल कपड़े में रैप करके रखनी है और वो माता जी के सामने रखनी है। पूजा होने के बाद वो हल्दी भी आपको घर के लॉकर में रखनी है। यदि आपको धन संबंधी समस्या चल रही है, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो कि घर में पैसों का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको अगरबत्ती लेनी है गुलाब की खुशबू वाली, माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी माता दोनों हों। आपको दो अगरबत्ती माता जी के सामने लगानी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो आपके घर में धन की समस्या चल रही है उसका निवारण करें, और बाकी की बची हुई पैकेट की अगरबत्ती आपको दान देनी है। होली के दिन शिव के मंदिर में जरूर जाएं, शिव जी को अपराजिता के फूल अर्पित करें और अक्षत अर्पित करें। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि अक्षत खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरे अक्षत होने चाहिए, और भगवान शिव की प्रार्थना करें। माता जी के सामने सात मुखी दीपक लगाएंगे। दीपक में आप कॉटन यूज नहीं करना है, आपको रॉली यूज करनी है या रेड कलर का धागा यूज करना है। और पूजा करते वक्त जब आप माता जी की आरती करोगे उसमें दो लवंग डालनी है, उसके बाद ही माता जी की आरती करनी है। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक देसी घी का दिया जरूर लगा कर रखना चाहिए, वो रात भर लगा कर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दीपावली के दिन सुबह के वक्त माता की जब आप पूजा करेंगे उन्हें मखाने की खीर जरूर अर्पित करें। बाद में वो पूरा परिवार मखाने की जो खीर आपने माता जी को अर्पित की है आपको पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट देना है। घर में शंख और घंटियों की आवाज़ बहुत आनी चाहिए। पूजा करने के बाद हर कमरे में शंख और घंटी जरूर बजाएं। करते वक्त माता जी को कमल गट्टे की माला जरूर पहनाएं और शाम के वक्त पीपल के वृक्ष पर एक दीपक तेल का जरूर लगाएं। जब आप दीपक लगाओगे, दीपक लगाने के बाद आपको वैसे ही वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है दीपक को। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दीपावली में ऐसे खास उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। एक खास उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, माता जी को चने की दाल अर्पित करनी है। माता जी के सामने रख कर आपको एक या दो घंटे के बाद वापस वो दाल उठाकर आपको पीपल के वृक्ष के यहाँ रखाना है और वहाँ प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद वो आपको दाल वहीं रख देनी है। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें से आप उपाय करके उन समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। यह उपाय आप ज़रूर करें। कुछ खास दिन होते हैं उपाय करने के लिए, दीपावली से अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता। जो उपाय हम खास दिनों में करते हैं उन उपायों का असर 100 गुना ज़्यादा होता है, यह बात आप ध्यान रखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे उपाय तो हमें करने चाहिए, लेकिन जो तीज त्यौहार
दशहरा हो गया, दीपावली हो गई, गणेश पूजन हो गया, ऐसे खास अवसर पर आपको उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को यूज करके आप लाइफ में इजीली आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दीपावली के खास उपाय बताए हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एक बात बहुत ही ध्यान से सुने, दीपावली के वक्त पटाखे जलाते समय ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हर साल खुशी से दिवाली मनाते रहें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।